नमस्कार दोस्तों, किसी व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं, व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, ये शरीर के अंगों को देखकर भी समझा जा सकता है। भविष्य पुराण के ब्रह्म पर्व में ब्रह्मा जी ने बताया है कि किसी भी पुरुष के स्वभाव को जानने के लिए उसके सभी अंगों जैसे दांतों को, बालों को, नाखूनों को और दाढ़ी मूछ को ध्यान से देखना चाहिए। इन सभी को देखकर पुरुष के स्वभाव से जुड़ी खास बातें मालूम हो सकती हैं। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि पुरुषों के स्वभाव और भाग्य को समझने के लिए कौन से संकेत ब्रह्मा जी ने बताए थे। नंबर एक, पैरों की बनावट। यदि किसी व्यक्ति के पैर में तर्जनी उंगली यानी अंगूठे के पास वाली उंगली अंगूठे से बड़ी दिखाई देती है तो ऐसे पुरुष भाग्यशाली होते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार यदि किसी पुरुष के पैर कोमल भरे हुए एवं लाल होते हैं और जिनके पैरों में पसीना नहीं आता है वे सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करते हैं। यदि किसी पुरुष के पैरों के अंगूठे बहुत ज्यादा मोटे दिखाई देते हैं तो उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। वहीं यदि किसी पुरुष के पैर सफेद हों, रूखे हों, टेढ़े नाखून वाले हों और उंगलियों की बनावट भी असमान हो तो ऐसे लोग परेशानियों का सामना करते हैं। इनके जीवन में धन की कमी बनी रहती है। जिन पुरुषों की जांघ लंबी, मोटी और मांस से भरी हुई होती है वे भाग्य का साथ प्राप्त करते हैं। मजबूत जांघ वाले पुरुष धन धान्य सहित सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। अगर किसी पुरुष के घुटने पर हड्डी दिखती है तो उसे छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नंबर दो, पेट की बनावट। अगर किसी पुरुष का पेट भरा हुआ दिखता है, सीधा और गोल होता है तो वे लोग भी धनवान होते हैं। ऐसे लोग सभी सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। जिन लोगों का पेट लंबा और पतला दिखाई देता है उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है और ऐसे लोग अधिक भोजन करने वाले होते हैं। नंबर तीन, जिस पुरुष की नाभि चौड़ी, गोल और छोटी होती है वह सुखी, वीर तथा धन धान्य से सदैव युक्त रहता है। नीची और छोटी नाभि वाला मनुष्य दुखी रहता है। जिसकी नाभि कमल की भांति होती है वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। नंबर चार, जिस व्यक्ति का सीना यानी छाती सम और रोम युक्त होती है वो धनवान होता है और बड़े छाती वाला पुरुष सूरवीर होता है। नंबर पांच, जिसकी ठोड़ी यानी ठुड्डी ऊपर की ओर न हो एवं मोटी हो तो वह धनवान, सुखी एवं भोगी होता है। इसके विपरीत जिसकी ठुड्डी पतली एवं ऊपर की ओर उठी होती है उसको भाग्य का साथ नहीं मिलता। नंबर छह, भुजाओं के लक्षण। जिस पुरुष की भुजा घुटने तक पहुंचती हो वह बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति को आजान बाहु कहा जाता है। रोम युक्त और छोटी भुजाएं अशुभ मानी जाती हैं। नंबर सात, जिनकी अंगुलियां घनी होती हैं वो मनुष्य बहुत धनवान होते हैं और विरल अंगुलियां अच्छी नहीं मानी जाती। नंबर आठ, कानों के शुभाशुभ लक्षण। जिनके कान बड़े होते हैं वो राजा के समान भाग्यशाली होते हैं। चिपटे कान वाला भोगी, छोटे कान वाला कंजूस, नुकीले कान वाला शत्रुनाशक एवं रोम से भरे हुए कान वाला मनुष्य दीर्घजीवी होता है। नंबर नौ, नाक के शुभ लक्षण। तोते के समान नाक वाला व्यक्ति उत्तम पुरुष होता है। सूखी नाक वाला दीर्घजीवी होता है। नंबर दस, कुंद पुष्प की कली की भांति चमकीले दांत शुभ माने जाते हैं। 32 दांत वाले शुभलायक होते हैं और 31 दांत वाले भोगी होते हैं। जिनके 30 दांत होते हैं उनके जीवन में सुख दुख समान रूप से आता रहता है और जिनके 29 दांत होते हैं उनका भाग्य कमजोर होता है। उन्हें अपने कर्म और मेहनत से ही सब कुछ हासिल करना पड़ता है। नंबर 11, जिह्वा के संबंध में शुभाशुभ लक्षण।
जिन पुरुषों की जीभ कमल के पत्ती की भांति पतली अर्थात ज्यादा मोटी न हो और लंबी हो वह बहुत भाग्यशाली होते हैं। काली और चित्र विचित्र वर्ण की जीभ वाला मनुष्य सेवक होता है। मोटी एवं रूखी जीभ वाला क्रोधी तथा सफेद जीभ वाला सदाचारी होता है। नंबर 12, जिन पुरुषों के कंधों में रोम नहीं होते एवं मांसल युक्त होते हैं वो मनुष्य धनी सुखी एवं भोगी होते हैं। इसके विपरीत लक्षण शुभ नहीं माने जाते। इसी तरह जिनकी पीठ भी रोमहीन होती है वे लोग भी भाग्यशाली होते हैं। दोस्तों, भाग्य के विषय में धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि जो लोग पूर्व के जन्मों में अच्छे कर्म किए होते हैं एवं इस जन्म में भी सत्कर्म कर रहे होते हैं उनका भाग्य प्रबल होता जाता है, जिसका फल जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। हम अपने अच्छे कर्मों से अपने भाग्य को प्रबल कर सकते हैं। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें तथा ऐसी ही रोचक बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।